ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में मैंने गैस फ्लो का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने डायरेक्ट मेथड पढ़ाई थी। आज स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, गैस फ्लो स्टेटमेंट की इनडायरेक्ट मेथड। चलिए देखिए, गैस फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार कि गैस का फ्लो जानने के लिए, मींस एक्चुअल गैस बिजनेस में कितना है, ये जानने के लिए हम गैस फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल गैस कितना है, इसमें गैस का आउटफ्लो और इनफ्लो के माध्यम से, अगर गैस में डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो होगा और गैस इंक्रीज हो रहा है मीन्स इनफ्लो होगा। इसकी दो मेथड थी, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, इसमें देखिए इनडायरेक्ट मेथड। गैस फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में भी तीन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। पर्टिकुलर अमाउंट के दो कॉलम बना लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्च किए जाते हैं, कैश आता है या कैश जाता है, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। जैसे जिसमें स्टार्टिंग सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, आपको बैलेंस शीट दी होगी 2 साल की, और बैलेंस शीट के लेवल की साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बाय चांस नहीं दिया है तो उसमें रिटेन अर्निंग दिया रहता है, अगर वो भी ना दिया हो तो हम कैपिटल को देखेंगे। तो लेकिन जो सबसे पहले दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस, हम उसको लिखेंगे, वो लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें हम नॉन कैश आइटम लेस कर देंगे। नॉन कैश आइटम देखिए कौन से हैं, लेस करिए नॉन कैश आइटम्स मींस जो कैश नहीं थे लेकिन हमने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया था, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें से माइनस कर दिया गया था, इसमें हम क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम का ऐड कर देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मशीनों पर प्रोविजन है, नॉन कैश आइटम में आता है। इसके बाद यदि गुडविल दी हुई है तो गुडविल रिटर्न ऑफ, उसकी राइट ऑफ वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद यदि कोई फिक्स असेट्स हम बेच रहे हैं उससे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको लेस करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, चाहे वो फिक्स असेट्स हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर
ट्रांसफर ड्यूटी जब आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिया होगा उसकी अमाउंट जो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की अमाउंट को माइनस करके हम इसमें देखेंगे कैश इनफ्लो करंट ईयर का अधिक होगा तो इनफ्लो होगा, अगर प्रीवियस ईयर का अधिक होगा तो आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा जाएगा। इसके साथ साथ डिस्काउंट ऑन ऑन इशू ऑफ ये सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, नॉन कैश आइटम है, इनको हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में, इनको जोड़ देते हैं। पहला है डेप्रिसिएशन, गुड बी रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड अगर दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारा जो कैश आएगा उसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस शो करेंगे। तो इसके लिए लिखिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसमें नॉन ये क्या आगे हमारा इसमें लेस कर देंगे नॉन कैश, इसे क्या देखिए लेस कर देंगे नॉन कैश क्रेडिट्स भी हम बोल सकते हैं या नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स। मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। यदि कोई प्रॉफिट हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर तो हम उसको लेस करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें अगर डिविडेंड पेड है इंटरेस्ट पेड, इनको भी हम माइनस कर देंगे। नॉन कैश क्योंकि हाँ अब देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हम क्या डिविडेंड रिसीव एनी कोई भी रिसीव होगी उसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे, तो जो आएगा वो कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मींस ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है इसके पहले का वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। इसी के आगे देख लीजिए हम इसको उठाते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। इसके बाद अगर डिविडेंड पेड है तो उसको भी हम इसमें लिखेंगे या इंटरेस्ट पेड है तो उसको लिखेंगे, लेस कर देंगे जो भी हमको रिसीव होगा। जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर होगा तो हम उसको ऐड लेस कर देंगे, डिविडेंड रिसीव लेस कर देंगे और इंटरेस्ट रिसीव होगा उसको भी लेस कर देंगे, तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए इसमें देखते हैं आगे ऑपरेटिंग का प्रॉफिट फॉर्मेट काफी बड़ा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, उसके बाद ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल लिखेंगे, चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया तो इसमें क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, देखिए ऐड कर देंगे डिक्रीज इन
करेंट एसेट्स। दूसरा क्या करेंगे, इंक्रीज इन लेस कर देंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज in current liability and increase in current assets. इसको समझ लीजिए कैसे करना है इसको। पहले देख लीजिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है। करंट एसेट्स में आपका जाएगा कैश फ्लो, तो नहीं लेंगे क्योंकि कैश फ्लो बना रहे हैं। इसमें आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब क्या है करंट असेट्स है। यदि मान लीजिए डेटर्स जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया है, प्रीवियस ईयर में मान लीजिए 10,000 है और इसका है 20,000 करंट ईयर का, तो हम देखेंगे कि जो करंट असेट्स है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। तो करंट ईयर में क्या हो रहा है, इंक्रीज मींस प्रीवियस में 10,000 है, करंट ईयर में 20,000 है, 10,000 से इंक्रीज हो रही है। जब करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम लेस करते हैं। ये देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स तो हम माइनस कर देंगे। अगर किसी को तो डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स मींस उसको ऐड कर देते हैं। तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे और करंट एसेट्स यदि डिक्रीज होगा तो उसको ऐड करेंगे और माइनस करने में हम उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस का ही लिखेंगे, लेकिन यदि इंक्रीज हो रहा है तो हम ब्रैकेट में उसको ऐड कर देंगे। और ये देख लीजिए बैंक ओडी है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपका नॉन कैश में आ जाएगा ऑपरेटिंग में। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इन सबको करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड, जो भी अगर टैक्स पेड दिया है उसको हम लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। इसके बाद बी नंबर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए बी नंबर लिख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो भी फिक्स एसेट्स है हम उनको देखेंगे। फिक्स एसेट्स परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ये इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ऑब्लिक कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके बाद डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव, इसको भी समझ लीजिए फिक्स एसेट्स को। फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी या प्लांट है। यदि प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की आपको दी गई है
तो प्रीवियस ईयर की इनकम है मान लीजिए बिल्डिंग है 50,000 और करंट ईयर की है 1 लाख। देखिए बिल्डिंग तो प्रीवियस ईयर की 50,000 है, करंट ईयर की 1 लाख है, मींस करंट ईयर की इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कब होगी? जब हम और परचेज कर लेंगे। तो बिल्डिंग जब हमने परचेज की 50,000 की, पहले बिल्डिंग थी, अब और हमने 50,000 की परचेज की, तब कितने की होगी? 1 लाख की। तो मींस इंक्रीज कितनी हुई बिल्डिंग? 1 लाख की। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रही है, मींस परचेज हो रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं कोई एसेट, तो कैश हमारा जाता है, तो हम उसको किसमें लिखेंगे? माइनस करके। इसी तरह मान लीजिए लैंड हमारा 1 लाख का है और करंट ईयर का हमारा कितना का हो गया बच्चा? 80,000 का, 80,000 का। मींस प्रीवियस ईयर में 6 साल 1 लाख का लैंड था और इस साल हमारा बच्चा लैंड कितने का? 80,000 का। मींस हमने क्या किया होगा? कम होगा, मींस बेच दिया होगा। बेचा होगा तो किसमें आएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कम करिए होगा तो हम बेचेंगे, मींस जब बेचेंगे तो कैश आएगा, इनफ्लो होगा कैश का, इसको हम प्लस आइटम में लिखेंगे। हाँ, बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसी तरह मशीनरी है, मशीनरी के लिए हमको प्रोविजन करना पड़ता है। तो मशीन के लिए देख लीजिए कैसे निकालेंगे। इसका वर्किंग नोट रहता है मशीन का। मान लीजिए क्वेश्चन में मशीनरी दी हुई है, प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की दी हुई है। प्रीवियस ईयर मान लीजिए 80,000 की है और इसमें है हमारी 90,000 की, और साथ में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी मान लीजिए 10,000 थी, उसको हमने और उसकी जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मान लीजिए उसका 3,000 था और उसको हमने 5,000 में बेच दी। कितने में कर दी? मींस जो मशीन, एक मशीन थी इसमें से 80,000 की, इसमें से एक 10,000 की मशीन जिसका डिप्रिसिएशन 3,000 था और हमने उसको 5,000 में बेच दी। तो ये 5,000 को हम कहां लिखेंगे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ मशीनरी करके। अब इसका अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए हमको एडजस्टमेंट में हमें क्या बनाना होगा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, जिसे मशीनरी से रिलेटेड है, हम क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट या फिक्स एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। तो हम लिखते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट, देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ये बनाना पड़ेगा किस तरह हम करेंगे। तो देखिए जैसे मशीन है, उसका हम ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपनिंग सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स क्रेडिट साइड। इसके बाद यदि हमने कोई एसेट्स बेच दी, सेल कर दी है, तो हम वही बैंक करके लिखेंगे बैंक अकाउंट, और यहाँ पर कौन सी बैलेंस लिखी थी? तो सेल्स की, जिसने में हमने सेल किया है। इसके बाद यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यदि लॉस हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो 3,000 यहाँ लिख देंगे और जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? परचेज या सेल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इस तरह हम फिक्स एसेट्स, अगर सिर्फ अगर उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको प्रीवियस और करंट ईयर का मशीनरी दी हुई है या फिर कोई फिक्स एसेट्स दी हुई है, तो हम उसको सीधे सिंपल तरीके से कर लेंगे। लेकिन यदि कुछ एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फिर आपको प्रॉफिट एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से हम परचेज या सेल्स निकालेंगे।
नेक्स्ट देख लीजिए इसका, हम इनको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये था हमारा बी। फिर सी नंबर जाएगा, सी नंबर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे इसमें सबसे पहले आता है इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इशू या रिटर्न ऑफ डिबेंचर। इसमें देख लीजिए डिबेंचर में यदि करंट ईयर का मान लीजिए डिबेंचर दिया हुआ है 10,000 और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 25,000। प्रीवियस ईयर का 5,000 है, करंट ईयर का कितना हो गया 10,000, मींस इंक्रीज हो रहा है। मींस क्या होगा, इशू होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, इशू होगा तो प्लस में लिखेंगे। और यदि करंट ईयर का कम है मान लीजिए 3,000 है और प्रीवियस ईयर का 5,000 है, मींस करंट ईयर का कम है, मींस 2,000 का पिछले साल 5,000 का था, कम कैसे हुआ, मींस हमने इसका पेमेंट कर दिया होगा। जब पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा कैश का, हम इसको माइनस कर देंगे, मींस इसमें कैश जा रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार देख लीजिए करंट ईयर का अधिक होगा तो प्लस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का यदि अधिक होगा करंट ईयर का कम होगा तो मींस कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए कभी कभी बैंक लोन दिया रहता है, उसमें भी ये रूल फॉलो करेंगे, करंट ईयर का अधिक होगा तो प्लस में लिखेंगे, करंट ईयर का कम होगा तो माइनस में लिखेंगे। इसके बाद डिविडेंड पेड, क्योंकि पेड हो रहा है कैश जा रहा है, इसको माइनस करके लिखेंगे, और इंटरेस्ट पेड इसको भी हम माइनस करके लिखेंगे। इशू ऑफ शेयर प्लस में लिखेंगे, अगर करंट ईयर का अधिक होगा कम होगा तो माइनस में। वैसे इक्विटी शेयर कभी माइनस में नहीं होते, हाँ लेकिन प्रेफरेंस शेयर है वो माइनस के हो सकते हैं, मींस क्योंकि उसका पेमेंट होता है। प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें कैश का आउटफ्लो होगा तो उसको हम माइनस करके लिखेंगे। फिर है डिवेंचर, करंट ईयर का अधिक होगा तो प्लस करके लिखेंगे, करंट ईयर का कम होगा तो हम माइनस रिडेम्पशन मान लेंगे, माइनस करके लिखेंगे। बैंक लोन भी इसी तरह फॉलो करेंगे, और डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड को इसमें कैश का आउटफ्लो हो रहा है माइनस करके। अब इनको ऐड करके जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनको ऐड किया, अब हम तीनों को आगे देखिए, अब समझ में आ गया होगा फाइनेंसिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे बड़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उनको ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तीन नंबर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको अमाउंट लिखेंगे, एंड सी नंबर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको लिखेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही एक्टिविटीज को ऐड करेंगे। अगर आंसर प्लस में आता है जोड़ने पर
तो मींस इंक्रीज इन कैश, मींस कैश का इनफ्लो हो रहा है, और यदि माइनस में आता है तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, मींस कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इसके बाद हम ऐड करेंगे, मान लीजिए प्लस में आ रहा है तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैश, और इसके बाद लिखेंगे कैश एट बिगनिंग, कैश एट बिगनिंग, और उसमें ऐड करेंगे जो आंसर आएगा लास्ट में वो होगा कैश एट द एंड। इसमें कैश में हम बैंक और कैश, कैश इन हैंड, कैश एट हैंड दोनों को इंक्लूड करेंगे, उस हिसाब से हम इसको निकाल देंगे। ये तो था हमारा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड से। अब इसके कुछ एडजस्टमेंट है उसको देख लीजिए। इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, फर्स्ट है फिक्स एसेट्स का, कोई भी फिक्स एसेट्स भी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर कोई एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके लिए हमें बनाना होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट। अभी हमने जैसे एग्जांपल में बताया था डेबिट साइड टू बैलेंस सीटी, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीटी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और उसके बाद क्रेडिट साइड में हम अगर सेल करते हैं तो उधर लिखेंगे, परचेज होगा तो डेबिट साइड, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड। अब प्रॉफिट कैसे होगा इसको देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स एसेट्स में कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई, पहले इसको समझ लीजिए बुक वैल्यू और लॉस। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। मींस बुक वैल्यू मींस अगर कॉस्ट में डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू, अगर कॉस्ट में बुक वैल्यू ही दी हुई है तो ये मान के चलेगा कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट में माइनस है, आपको दोबारा डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। यदि कॉस्ट दी हुई है तब ये हम उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें बुक वैल्यू दी हुई है 10,000, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 3,000, और उसको सेल कर दिया है, मशीन दिया जो भी है, सोल्ड हमने कितना किया 5,000 का। इसमें देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, बुक वैल्यू माइनस सेल्स, मीन्स जितनी बुक वैल्यू है उसमें हम अगर विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। तो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, बुक वैल्यू कितनी है 10,000, बुक वैल्यू में हमने कहा था डिप्रिसिएशन माइनस रहता है तो हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे, तो कितनी थी 10,000 है, और माइनस कर दिया हमने सेल कितने का किया 5,000 का, तो यहाँ हमको लॉस हो रहा है। 10,000 की एसेट्स थी, 5,000 में हम सेल कर रहे हैं, इस कम में सेल कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 5,000। इस तरह हम निकालेंगे, यदि माइनस क्योंकि माइनस में आए तो प्रॉफिट होगा, प्लस में आएगा तो लॉस होगा। अगर बुक वैल्यू की यदि इसी क्वेश्चन में कॉस्ट दी, यदि होती कॉस्ट, तो कॉस्ट में डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले बुक वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10,000 माइनस 3,000 जो हमने फार्मूला में बनवाया था, बुक वैल्यू का कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, कॉस्ट में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर उसमें से हम सेल को माइनस कर देंगे। उस कंडीशन में अगर कॉस्ट दी होती बुक वैल्यू की जगह और डिप्रिसिएशन भी दिया होता तो हमारा लॉस कितना आएगा या प्रॉफिट कितना आएगा, देखिए 7,000 की हमारी एसेट्स थी, उसको 5,000 में हम सेल कर रहे हैं, मींस प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, क्योंकि कम में बेच रहे हैं, 7,000 की एसेट्स थी 5,000 में बेच रहे हैं, 2,000 का लॉस होगा। इस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस को कहां शो करते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट के, अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड। इस तरह हम फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट करते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका एडजस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड।
स्टेटमेंट यदि मान लीजिए प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है और करंट ईयर का दिया हुआ है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर का आपका दिया है 42,000 का और करंट ईयर का दिया हुआ है 50,000 का, इसको हम कहां लिखेंगे? इसको देख लीजिए, अगर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करके लिखेंगे और करंट ईयर का हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे प्लस करेंगे। ध्यान से देखिए, प्रपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 42,000 मान लीजिए और करंट ईयर का भी 50,000, तो हम प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे थर्ड वाले में सी नंबर में और इसको कहां लिखेंगे? करंट ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इसको शो करेंगे। इसके साथ साथ यदि कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, मींस क्वेश्चन में दिया होगा एडजस्टमेंट में कि इंट्रीम डिविडेंड पे 30,000, तो हम इसको तो हम कहां लिखेंगे? फाइनेंसिंग में, इसे कहां लिखेंगे? ऑपरेटिंग में। और जो न्यू आ गई है, मींस नया बढ़ गया है, इसको भी हम कहां लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इसको तो करेंगे 30,000। इस तरह हम किसका प्रोविजन करेंगे? एडजस्टमेंट प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड का। नेक्स्ट है थर्ड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स में भी देखिए, अगर बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड दिया रहता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड यदि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स है 30,000 प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का है 35,000, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का कहां जाएगा? टैक्स पेड, क्योंकि ये साल का है, इसको टैक्स पेड में से माइनस कर देंगे। ये टैक्स पेड कहलाता है, ये टैक्स मेड कहलाता है, ये पेड है ये। अब देखा होगा अभी हमने फॉर्मेट लिखवाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, प्रोविजन फॉर टैक्स दो बार लिखवाया था, एक तो हमने ऊपर नॉन कैश एक्टिविटीज में लिखवाया था, दूसरा लास्ट में हमने टैक्स पेड माइनस किया था, उसमें ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स में, इसमें माइनस किया था। मींस जो टैक्स पेड है वो हम लास्ट में एंड में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सबसे लास्ट में जब हम नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं उस समय हम इसको माइनस करेंगे, और जो करंट ईयर का है, इस जो टैक्स पेड है, इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे, ऐड करके लिखेंगे। टैक्स पेड है इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और यदि टैक्स पेड करंट ईयर का दिया हुआ है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कुछ एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन दी हो, जैसे मान लीजिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में इनकम टैक्स, दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर मान लीजिए अमाउंट है इसकी 33,000, कितनी? 33,000। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब ओनली बैलेंस शीट में दिया है तो हम उस तरह करेंगे, टैक्स पेड और टैक्स मेड, टैक्स पेड को लास्ट में माइनस कर देंगे और मेड को प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यदि इंफॉर्मेशन गिवन है इनके अलावा, उसके लिए हमको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा उस अकाउंट। तो उसके लिए देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनेगा, यहाँ बना देते हैं ऊपर, यहाँ बगल में देख लीजिए। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट।
इसके लिए हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी लिखेंगे मींस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना 30,000, इसको लिखेंगे 30,000। इसके बाद यहां पर लिखेंगे डेबिट में टू बैलेंस सीडी मींस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 35,000। तो सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन गिवन है कितनी दी हुई है इसमें 33,000 मींस टैक्स पेड किया गया है। तो टैक्स पेड है हम इसको कहां लिखेंगे, सॉरी टैक्स पेड है ये इस साल और बन रहा है ड्यूरिंग करंट ईयर मींस इस साल टैक्स और दिया जा रहा है मींस पेड हो रहा है 33,000। इसको हम यहां लिखेंगे प्रोविजन करके टोटल कितना आया हमारा 63,000। और यहां पर लिखेंगे टू टैक्स पेड, टैक्स पेड आ जाएगा यहां पे 63,000 आना चाहिए। 63 में 35 माइनस करिए 28,000 कितना आ रहा है 28। इसको भी देखिए कैसे लिखेंगे, जो प्रोविजन है इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करके लिखेंगे और टैक्स पेड को लास्ट में एंड करेंगे माइनस करके लिखेंगे। टैक्स पेड को माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और प्रोविजन को प्लस कर देंगे। तो इस तरह हम प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एडजस्टमेंट जो किसके लिए है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो ये आपको वर्किंग नोट में करना ही पड़ेगा अगर इस तरीके का प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड पूछ रहा है या प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन गिवन है एडजस्टमेंट में तो हम अकाउंट्स बनाएंगे और ये नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल छोटा सा, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन है। आपको शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है 35,000 प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का है 37,000। डिवेंचर दिया हुआ है, आपके पास बुक हो तो देख लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सरसाइज क्वेश्चन 30 नंबर। डिवेंचर है 36,000 का और प्रीवियस ईयर का 6,000, करेंट ईयर का 3,000, क्रेडिटर्स है 5,180। तो चलिए क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें ए नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का 30 नंबर है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन देख लीजिए, फर्स्ट दिया है डिविडेंड पेड अमाउंट 1750 मींस डिविडेंड पेड किया है 1750 का। एक और दिया है लैंड वाज परचेस्ड फॉर 5000 मींस लैंड 5000 का परचेज किया गया है और गुडविल रिटर्न ऑफ की गई है 2500 की मींस गुडविल को रिटर्न ऑफ 2500 से किया गया है 2500 से। और डिवेंचर वर पेड ₹3,000 डिवेंट लाभांश दिया हुआ है पेड किया गया है 3000 का पेड है। इस
बस तीन ही इंफॉर्मेशन दी गई है, फर्स्ट डिविडेंड पेड 1750, सेकंड है लैंड सोल्ड परचेज 5000 का, और डिवेंचर भी पेड किया गया है 3000 का, और गुडविल को विथड्रॉ राइट ऑफ किया गया है 2500 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैपिटी आइटम। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट में दिया है, डिविडेंड पेड कितना है 1750। हम इसी को लिखेंगे पहले डिविडेंड पेड 1750। सेकंड आपको दिया हुआ है इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए, गुडविल भी मैंने ऑपरेटिंग में लिखवाई थी, तो गुडविल रिटर्न ऑफ ये है आपका 2500। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती है जैसे ट्रांसफर टू डेटर, बट इसमें दिया नहीं है, बैलेंस शीट में दिया होता तो हम उसको लिखते। कोई भी मशीन बेची नहीं गई है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, उसको भी नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट भी नहीं दिया है, मींस नॉन कैश में से दो ही आइटम दिए हुए हैं, इनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 4250। और साथ में नेट प्रॉफिट भी हमारा था, नेट प्रॉफिट अभी हमने नहीं लिखा, नेट प्रॉफिट कहाँ से लिखेंगे, बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस दिया, देखिए करंट ईयर का 5280 और प्रीवियस ईयर का 5020, माइनस कर देंगे दोनों का तो 260 आएगा, कितना आएगा 260, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 4510। इनको ऐड किया, ये हमारा क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, मींस वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल तो फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यदि हम करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो आ जाता है वर्किंग कैपिटल। तो हम कैश एक तरह का वर्किंग कैपिटल में ही माना जाता है, तो हम उसको देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। तो बैलेंस शीट में आपको हम बैलेंस शीट में देखेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। सबसे पहले करंट एसेट्स देखते हैं, करंट एसेट्स दी हुई है आपकी, बुक डेट्स दी हुई है, और क्या दिया हुआ देखिए, स्टॉक दिया हुआ है, लैंड तो फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल वो हो गया है, तो इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा एक आपका स्टॉक दिया हुआ है। तो देखिए स्टॉक है करेंट ईयर का 21,350 और प्रीवियस ईयर का 24,600। तो इसमें देखिए जो स्टॉक है वो करेंट ईयर का क्या है, कम दिया हुआ है, कम है मीन्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज को हम ऐड करते हैं, तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज हो रहा है करंट ईयर का स्टॉक कम है तो हम उसको ऐड करेंगे, कितना है देखिए 21,350 में माइनस कर देंगे 24,600 तो माइनस का आएगा 3250। इसके बाद देखिए स्टॉक बस दिया हुआ है, अब आएंगे हम लायबिलिटी साइड, देखिए क्वेश्चन में देखिए लायबिलिटी साइड आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखिए कितने के हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5920 में माइनस कर देंगे 5180 मींस करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे, हाँ
प्रीवियस ईयर का अधिक दिया है, सॉरी करंट ईयर का अधिक दिया है, प्रीवियस ईयर का कम दिया है, मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को भी हम प्लस करके लिखेंगे, इंक्रीज लायबिलिटी से ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ध्यान रखिएगा अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐड करेंगे, और करंट असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो माइनस करेंगे, डिक्रीज होगी तब प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे 740 हमने लिख दिया। इसके साथ साथ लायबिलिटी साइड दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम लिखेंगे उसको, देखें करंट ईयर का अधिक है कि कम है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करंट ईयर का अधिक दिया 400 दिया, उसका 350 दिया हुआ है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, 50 आएगा बैलेंस, इसको हम ऐड करेंगे, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स कितना है 50 रुपीज, और कुछ भी नहीं दिया इसमें, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8,550। इसके बाद एक चीज और दी हुई है, देनदार ये है करंट ईयर का, इसमें अधिक दिया हुआ है, लेस कर देंगे, इंक्रीज इन डेटर्स दोनों को माइनस करेंगे, 1400 आ रहा है, इंक्रीज माइनस करेंगे, माइनस करने पर आ जाएगा 7,150। ये आपका आ गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए इसको समझ में आया होगा, मिटा देते हैं इसको। तो हमारा ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गया 7,150 प्लस का। चलिए बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको भी हम निकाल लेंगे। इसमें हम देखेंगे परचेज सेल्स, देखिए फिक्स एसेट्स में इसमें सिर्फ लैंड दिया हुआ है, लैंड भी देखिए प्रीवियस ईयर का 10,000 है और करंट ईयर का 15,000 दिया है, मींस 5,000 बढ़ रहा है, 5,000 बढ़ेगा कब, जब परचेज करेंगे। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है तो हम इसको लिख देंगे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड कितना हमारा, माइनस कर देंगे दोनों को तो हमारा आ जाएगा 5,000, और यहाँ पर आ गया 5,000 क्योंकि परचेज है, माइनस का लिखेंगे तो यह आ जाएगा नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी नंबर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, देखिए इशू ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इशू ऑफ शेयर दिया हुआ है 37,000 ऑफ 35,000, करंट ईयर का 2,000 अधिक है, हम लिखेंगे 2,000। इसके बाद देखिए डिवेंचर एडजस्टमेंट में दिया है, पेमेंट किया गया है तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3,000 का पेमेंट किया गया है, एडजस्टमेंट में 1,750 का, इसको भी हम माइनस कर देंगे, टोटल हमारा आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,750 माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे 2,000 माइनस कर देंगे 2,750, तीनों ही आ गई है। अब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, देखेंगे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तीनों को ऐड करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं ये प्लस का है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे 5,750 में 7,150 माइनस करेंगे तो हमारा ए बी सी आ जाएगा माइनस का 600, माइनस आ रहा है मींस क्या हो रहा है डिक्रीज इन कैश। अब हम लिखेंगे कैश एट बिगनिंग
एसेट डीलिंग, ये आपको बैलेंस शीट में देखिए कैश दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 4500, जो आएगा वो आएगा कैश एट एंड। अब देखिए मिलाने के लास्ट कर ली है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।